मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं जिस आसन के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है धनुरासन। तो आज मेरे साथ है टिंकू जो कि धनुरासन आपको करके दिखाएंगे कि किस टेक्निक से धनुरासन को किया जाए। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप पैरों को, दोनों पैरों को सीधा करते हुए पेट के बल लेटना है हमें इस तरीके से। दोनों हाथों को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे इस तरीके से। बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। अब दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर में रखते हुए इस तरीके से और दोनों पैरों को एक साथ बेंड कर लेंगे। सबसे पहले अब जो कि हम आसन करने जा रहे हैं वो सिंपल आसन है, सिंपल धनुरासन। इसको हर कोई कर सकता आसानी के साथ, बड़ा बुजुर्ग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल धनुरासन, उसके बाद मैं आपको एडवांस धनुरासन के बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरीके से दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए अच्छे से, यस, पूरा श्वास को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ खींच देंगे मैक्सिमम। इस तरीके से पैरों को मिला सकते हैं आप। अगर आप मिला नहीं पा रहे हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से खोल भी सकते हैं। मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, धीरे धीरे करके। फिर वापस श्वास को एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे अपने आप को। ये आपने देखा सिंपल धनुरासन। सिंपल धनुरासन या एडवांस धनुरासन, दोनों से आपकी स्पाइन जो है स्ट्रोंग बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। अब आपने देखा सिंपल, अब हम करवा रहे हैं एडवांस धनुरासन। वो किस तरीके से करना है आप ध्यान से देखेंगे। फिर से उसी टेक्निक के साथ दोनों पैरों को बैंड करते हुए इस तरीके से आप अपने हाथ को टर्न करना है अपने आप को इस तरीके से, एल्बो स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से, पूरा एल्बो आगे की तरफ रहेगी आपकी। अंगूठा आपने पकड़ा, उसका मैक्सिमम आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को एल्बो स्ट्रेच करते हुए पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। आपकी स्पाइन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है, स्ट्रोंग बनती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है धीरे धीरे करके। आप जिस तरीके से गए थे आप उसी तरीके से आप आराम आराम से वापिस आ जाएंगे। बिल्कुल स्लोली स्लोली श्वास आप एक्सहेल कर देंगे। मकरासन में या फिर आप अपने आप को बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ते हुए इस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। श्वास आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक्सहेल करना आपको दोनों नासिकाओं से, आपको श्वास को छोड़ते चले जाना है। बॉडी आपके बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, स्ट्रेस किसी टाइप का आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा धनुरासन, इस तरीके से हम धनुरासन को करते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।